स्कॉटलैंड का बालमोरल कैसल। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जब तक जीवित रहीं, छुट्टियों में यही उनका आवास हुआ करता। एक रोज की बात है, बालमोरल कैसल के बाहर एलिजाबेथ सैर पर थी। उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए चल रहे थे रिचर्ड ग्रिफिन। एलिजाबेथ की आदत थी कि चलते फिरते जो लोग मिले उन्हें हेलो कहते चलें। सो उस रोज जब दो अमेरिकी टूरिस्ट उसी रास्ते पर घूमते हुए उन्हें मिल गए, एलिजाबेथ ने उनका भी अभिवादन किया। हेलो सुनकर दोनों रुक गए, बातचीत शुरू हो गई। उनकी बातों से साफ था कि उन्हें नहीं पता कि सामने ब्रिटेन की महारानी है। इसके बाद वो पूछते हैं कि आप कहाँ रहती हैं। इस पर एलिजाबेथ जवाब देती हैं कि यूं तो मैं लंदन में रहती हूँ, लेकिन यहीं पास में मेरा समर होम है। मैं पिछले 80 सालों से यहीं घूमने आती हूँ। ये सुनकर उनमें से एक ने कहा कि 80 सालों से आ रही हैं, तब तो आप क्वीन से भी मिली होंगी। एलिजाबेथ मुस्कुराते हुए कहती हैं कि नहीं, मैं तो नहीं मिली, लेकिन रिचर्ड उनसे कई बार मिले हैं। दोनों रिचर्ड ग्रिफिन की ओर मुखातिब होकर पूछते हैं कि महारानी असल ज़िंदगी में कैसी हैं। ग्रिफिन मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, थोड़ी खड़ूस है, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है। ये सुनकर दोनों एलिजाबेथ को अपना कैमरा पकड़ाकर रिचर्ड के साथ एक तस्वीर लेने को कहते हैं। एक तस्वीर एलिजाबेथ के साथ भी ली जाती है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एलिजाबेथ तब रिचर्ड से कहती हैं कि काश कि जब ये दोनों अपने दोस्तों को ये तस्वीरें दिखाएं, मैं वहाँ मौजूद हूँ। ये किस्सा हमने आपको सुनाया क्योंकि आज की तारीख का महारानी एलिजाबेथ से खास रिश्ता है। 6 फरवरी 1952 के रोज उन्होंने ब्रिटेन की गद्दी संभाली। इसके करीब 9 साल बाद 1961 में उन्होंने भारत का दौरा किया। इसके बाद 1983 और 1997 में एलिजाबेथ दो और बार भारत के दौरे पर आई। आज आपको सुनाएंगे इन दौरों से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ये तो नई नई दिल्ली है, दिल में इसे उतार लो। एक बात कह दूं मलका, थोड़ी सी लाज उधार लो। बापू को मत छेड़ो, अपने पुरखों से उपहार लो। जय ब्रिटेन की जय हो, इस कालिकाल की आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई राय जवाहरलाल की। ये शब्द थे बाबा नागार्जुन के, जो उन्होंने लिखे जब महारानी एलिजाबेथ पहली बार भारत दौरे पर आई। साल था 1961, जनवरी का महीना था। दिल्ली में जिस रोज एलिजाबेथ का प्लेन उतरा, हवाई अड्डे से राष्ट्रपति भवन तक भीड़ उन्हें देखने के लिए लाइन में लगकर खड़ी हो गई। एलिजाबेथ के साथ उनके पति ड्यूक ऑफ एडिनबरा प्रिंस फिलिप और प्रिंस एंड्रयू जो बेटे थे वो भी भारत पहुंचे। तीनों ने इस दौरान उदयपुर, दिल्ली, आगरा, मुंबई, बेंगलुरु, बम्बई और बेंगलोर था तब, अहमदाबाद, मद्रास, कलकत्ता आदि तमाम जगहों का दौरा किया। यूं तो इस दौरे को लेकर भारत में काफ़ी उत्साह था, लेकिन यह दौरा कई कंट्रोवर्सीज की वजह बना। हुआ यूं कि एलिजाबेथ और ड्यूक उस साल भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, लेकिन गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले दोनों जयपुर गए। यहाँ जयपुर के राजा सवाई मान सिंह ने उनका खूब सत्कार किया। महारानी को हाथी की सवारी कराई गई। इसके अगले रोज राजा मान सिंह ने महारानी के लिए शिकार का एक कार्यक्रम रखवा दिया। 3 बार कोशिशों के बाद ड्यूक एक बाघ का शिकार करने में तब सफल हुए थे। इसके कुछ रोज बाद ड्यूक और एलिजाबेथ गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। उस दिन के अखबार में एक बड़ी सी फोटो छपी, कैप्शन था, कल शिकार किए गए टाइगर के साथ प्रिंस फिलिप। यूं तो भारत में शिकार गैर कानूनी था नहीं, लेकिन फिर भी ये घटना एक बड़ी कंट्रोवर्सी की वजह बनी। इसका कारण ये था कि उसी साल प्रिंस फिलिप ने एक वाइल्ड लाइफ फंड की नींव रखी थी। ये गैर सरकारी संस्था थी जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करती थी। प्रिंस फिलिप पर हिपोक्रेसी यानी पाखंड के आरोप लगे। ब्रिटिश मीडिया से उनको काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी, न सिर्फ शिकार करने के लिए बल्कि इसलिए भी कि शिकार के लिए बाघ को रिझाने के लिए उन्हें भैंसे को चारे के रूप में इस्तेमाल उन्होंने किया था। इस पूरे दौरे में यह विवाद प्रिंस फिलिप का पीछा करता ही रहा। यात्रा के अगले चरण में उन्हें नेपाल का दौरा करना पड़ा। यहाँ राजा महेंद्र ने उनके लिए और भी बड़े शिकार का आयोजन किया था। 300 हाथी बुलाए गए थे ताकि शाही सवारी में ड्यूक शिकार कर सकें। भारत में हुए विवाद के चलते ड्यूक शिकार से हिचक रहे थे, लेकिन पहले से तय इतने बड़े आयोजन से वो इनकार कर नहीं पाए। हालांकि जिस रोज वो शिकार के लिए पहुंचे, उन्होंने अपनी ट्रिगर वाली उंगली पर पट्टी बांध ली थी। चोट कब लगी, कैसे लगी, किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर हुआ कि ड्यूक को शिकार में भाग न लेने का बहाना मिल गया। इसके बाद साल 1983 में एलिजाबेथ ने एक और बार भारत का दौरा किया। इस बार उन्हें कॉमनवेल्थ देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत बुलाया गया था। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह इस दौरे से जुड़ा एक बड़ा रोचक किस्सा बताते हैं। नटवर सिंह तब भारत की विदेश सेवा में थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें कॉमनवेल्थ सम्मेलन का चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। इस दौरान एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप के रहने की व्यवस्था राष्ट्रपति भवन में की गई। नटवर सिंह लिखते हैं कि सम्मेलन के दूसरे ही दिन एक मुसीबत खड़ी हुई।
दरअसल इस दौरे में एलिजाबेथ मदर टेरेसा को ब्रिटिश शाही सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित करने वाली थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पता चला कि एलिजाबेथ यह कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में करना चाहती हैं, तो प्रधानमंत्री ने नटवर सिंह को बुलाकर इस बारे में पूछा। नटवर सिंह ने राष्ट्रपति भवन से जानकारी निकालकर इंदिरा तक पहुंचाई। पता चला कि कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र तक भेजे जा चुके हैं। इस बीच हेमवती नंदन बहुगुणा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने इंदिरा को एक खत लिखकर कहा कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में महारानी एलिजाबेथ के निजी कार्यक्रम की जानकारी मिली है। बहुगुणा ने तब लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि यह जानकारी झूठी हो। अब पूरा बखेड़ा यह था कि भारत कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका था। राष्ट्रपति भवन तब उनकी मिल्कियत होती थी, जहां से शाही फरमान जारी किए जाते थे। लेकिन 1961 में ये बीती बात हो गई थी, हम एक गणतंत्र थे, आज़ाद थे। इसलिए अब अगर ब्रिटेन की महारानी इस निजी कार्यक्रम के लिए उपयोग कर लेती राष्ट्रपति भवन का, तो भारत की गरिमा को ठेस पहुँचती, क्योंकि यह हक अब सिर्फ भारत के राष्ट्रपति का था कि वो राष्ट्रपति भवन में कोई कार्यक्रम करें, कोई इन्वेस्टिचर सेरेमनी हो। स्थिति की नजाकत को समझते हुए इंदिरा ने नटवर सिंह को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से बात करने को कहा। थैचर और इंदिरा काफी गहरी दोस्त थी। एक मायने में थैचर इंदिरा को अपना आदर्श मानती थी। नटवर ने थैचर को संदेश भिजवाया कि महारानी का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में कराना संभव नहीं, इसलिए वो इस कार्यक्रम का पता बदल दें। उन्होंने नए वेन्यू के लिए यूके हाई कमीशन के ऑफिस या हाई कमिश्नर के घर का नाम सुझाया भी कि एक ऑप्शन भी होना चाहिए। थैचर की तरफ से जल्द ही ये जवाब आ गया कि ऐसा करना संभव नहीं, आमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं, प्रेस को भी कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी जा चुकी है और अब आखिरी समय में पूरा कार्यक्रम चेंज करना मुश्किल होगा। नटवर सिंह लिखते हैं कि मामला बिल्कुल उलझ गया, जिसके बीच में थी दुनिया की चार सबसे ताकतवर महिलाएं, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ और मदर टेरेसा, जिन्हें लगभग संत माना जाता था, बाद में पदवी मिली भी। नटवर सिंह परेशान थे कि अगर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रेस को लग गई तो ये मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा कर सकता है। कुछ नहीं सूझा तो नटवर इंदिरा के पास पहुंचे और उन्होंने मार्गरेट थैचर का जवाब सुनाया। नटवर लिखते हैं कि पल भर को इंदिरा के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट का भाव उपजा। इसके बाद वो चंद सेकंड ठहर कर नटवर से बोली, वापस जाओ और मिसेस थैचर को बताओ कि वो चाहें तो महारानी का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में करा सकती हैं, लेकिन उन्हें कहना कि फिर ये मुद्दा अगले दिन संसद में ज़रूर उठेगा और वहाँ एलिजाबेथ का नाम भी इस विवाद में घसीटा जाएगा, इसलिए बेहतर है कि रानी को पहले से इस बारे में आगाह कर दिया जाए। इंदिरा की एक गुगली एकदम निशाने पर पड़ी। महारानी एलिजाबेथ को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। आखिर में उन्होंने राष्ट्रपति भवन के गार्डन में मदर टेरेसा को चाय पर बुलाया और वहीं पर उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान दिया। अब चलते हैं एलिजाबेथ के तीसरे और आखिरी भारत दौरे पर, जो कि हुआ था साल 1997 में, 1997। भारत की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एलिजाबेथ भारत आईं। अपने अंतिम दौरे के दौरान उन्होंने अमृतसर के जलियांवाला बाग का दौरा किया। यहाँ उन्होंने अपने सैंडल उतारकर जलियांवाला में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उन्होंने जलियांवाला बाग की घटना पर खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ये कोई रहस्य नहीं कि हमारे अतीत में कुछ कठोर घटनाएं हुई, जलियांवाला बाग एक दुखद उदाहरण है। बाद में इस यात्रा का काफ़ी विरोध भी हुआ, क्योंकि एलिजाबेथ ने जलियांवाला बाग का दौरा तो किया लेकिन फिर भी उन्होंने इस घटना के लिए माफ़ी नहीं मांगी, जैसे कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। इसी किस्से के साथ आज के एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसे लिखा है हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया है जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।